नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर क्रेज में। ऑल न्यू किया सोनेट का STX वेरिएंट अभी आप ये देख रहे हैं। ये इसका सेकंड ऑफ वेरिएंट है जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लुक्स में शानदार लग रहा है। और एक तरीके से STX वेरिएंट है तो अफोर्डेबल प्राइसिंग के साथ में आता है। गाड़ी में फीचर्स भी आपको काफ़ी प्रीमियम लेवल के यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। बाकी गाड़ी का डिज़ाइन आप देख सकते हैं और ये जो वेरिएंट है ना फुल्ली एक्सेसराइज ये वेरिएंट है, तो आपको एक्सेसरीज भी यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली है कि गाड़ी के साथ में आप क्या क्या एक्सेसरीज यहाँ पर ले सकते हैं। साइड का प्रोफाइल अगर आप देखेंगे, कम्प्लीटली व्हील्स आप देखिए, काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहे हैं। ब्लैक और थोड़ा सा एक सिल्वर का टोन आपको व्हील्स में यहाँ पर देखने को मिलता है। तो STX वेरिएंट में की अगर आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से की आपको मिलती है। स्मार्ट की आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, किया का लोगो है और की में लॉक ऑन लॉक के बटन से होल्ड का बटन है जिसे दबा के रखेंगे तो गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो जाता है और बूट खोलने का भी ये बटन है। ओवरऑल प्रीमियम डिज़ाइन के साथ में इसकी ये की आती है। गाड़ी का जो रोड प्रेजेंस है ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर शानदार लगने वाला है। कम्प्लीटली LEDs में लाइट्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। सामने की तरफ से रोड प्रेजेंस के मामले में काफ़ी ज़्यादा सही लगती है। सामने की तरफ अगर आप देखेंगे कम्प्लीटली चार इसमें अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर्स आपके पास में अवेलेबल है। लाइट्स अगर आप देखेंगे DRL से LEDs में लाइट्स से कम्प्लीटली आपके पास में। फॉग लाइट्स का भी फंक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। टाइगर नोज ग्रिल आप यहाँ पर देख सकते हैं। और साइड प्रोफाइल अगर आप देखते हो गाड़ी का, कम्प्लीटली मस्कुलर डिज़ाइन के साथ में साइड का प्रोफाइल है। और ये एक्सेसरीज आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर कम्प्लीटली लिस्ट लगी हुई है एक्सेसरीज। यहाँ पर अगर आप देखेंगे वीडियो को पुश करके भी आप देख सकते हैं, इतनी सारी एक्सेसरीज गाड़ी के ऊपर लगी हुई है। टोटल 16,393 रुपीज़ की एक्सेसरीज गाड़ी में टोटल यहाँ पर लगी हुई है। क्रोम की जो इंसर्ट्स आप देख रहे हैं ना, ये सारे एक्सेसरीज का ही पार्ट है। यहाँ पर भी ये एक्सेसरीज का ही पार्ट है जो कि एक गाड़ी का जो है ना मस्कुलर सा लुक यहाँ पर सामने की तरफ से बना रहा है। व्हील्स अगर आप देखते हो तो यहाँ पर ये इसका सेकंड ऑफ वेरिएंट है ना, तो यहाँ पर आपको प्लास्टिक में डिगल्स मिलते हैं। अलॉय व्हील जो आपको मिलते हैं वो टॉप एंड वेरिएंट में मिलते हैं STX प्लस में। तो टायर साइज़ की अगर हम इसमें बात करें 215/60/16 की टायर साइज़ आपको इसमें मिलती है। ट्रैवल काफ़ी अच्छा है, सस्पेंशन का क्लैडिंग्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओवरऑल जो ग्राउंड क्लियरेंस है गाड़ी का ये भी काफ़ी सही लेवल का मिलता है। इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल ओवरबीएम से LED टर्न इंडिकेटर्स के साथ में आते हैं। यहाँ पर भी काफ़ी सारी एक्सेसरीज इसमें लगाई गई है। क्रोम के काफ़ी सारे क्वार्ट्स है, ये भी एक्सेसरीज का इसमें पार्ट है। अगर आपको एक्सेसरीज का काफ़ी शौक है तो यहाँ पर आपको किया जो है काफ़ी सारे एक्सेसरी ऑफर कर रही है। रेन वाइजर से रूफ रेल्स तो गाड़ी के साथ में आती है। STX वेरिएंट में सनरूफ भी आपको मिली जाती है। बाकी यहाँ पर डोर के लिए पैड्स भी आप देख सकते हैं। पीछे के जो व्हील्स है इसमें आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। STX वेरिएंट से डिस्क ब्रेक्स आपको मिलना शुरू होते हैं। ये काफ़ी अच्छा फंक्शन है सेफ्टी के हिसाब से। 45 लीटर्स का फ्यूल टैंक आपको गाड़ी के अंदर मिलता है। गाड़ी का जो ओवरऑल बैक का प्रोफाइल है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। बैक की तरफ से भी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा शानदार लगती है और कम्प्लीटली कनेक्टेड में LED में टेल लाइट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेफ्टी के मामले में भी काफ़ी अच्छे एडवांस लेवल के सेफ्टी फीचर्स है, जैसे कि ABS विद TBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट कंट्रोल, हिल असिस्ट कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट कंट्रोल और टोटल जो है गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग्स आपको इसमें देखने के लिए मिलती है। बाकी ये कुछ इसका ओवरऑल एक्सटीरियर का लुक आपको यहाँ पर देखने मिलता है। और गाड़ी का बैक लुक अगर आप देखते हो, बैक से भी काफ़ी सही यहाँ पर ये लग रही है। कम्प्लीटली कनेक्टेड में टेल लाइट्स है। ये इसका डीजल IMT वाला वेरिएंट है। ऊपर कम्प्लीटली आपके पास में शार्क फिन एंटीना है, हाई माउंट स्टॉपलाइट है, रियर डिफॉगर भी आपके पास में यहाँ पर अवेलेबल है। पीछे के जो कनेक्टेड टेल लाइट्स है ये काफ़ी ज़्यादा शानदार यहाँ पर लग रहे हैं। डीजल IMT वाला ये वेरिएंट है। दो इसमें अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर्स है। रिवर्स कैमरा आपके पास में यहाँ पर अवेलेबल है। 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। गाड़ी में काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है। बूट स्पेस अगर हम इसमें देखेंगे 385 लीटर्स का बूट स्पेस है। पार्शल ट्रे आपको इस वेरिएंट से मिल जाता है। अंदर अगर आप देखेंगे कम्प्लीटली रीडिंग लाइट्स है आपके पास में। और यहाँ पर जो है कम्प्लीटली अंदर की तरफ स्पेयर व्हील टूल किट वगैरह की जो प्लेसमेंट है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। अभी हम इसे क्लोज कर देते हैं। क्लोज अगर हम इसमें करेंगे सही लगती है, शानदार लगती है पीछे की तरफ से देखने पर। भाई ये पीछे का पैसेंजर साइड डोर इसका खोल कर देखते हैं। पैसेंजर साइड डोर अगर हम इसमें खोलेंगे, इंटीरियर्स जो है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम आपको मिलते हैं सोनेट में। यहाँ पर आपके पास में सन शेड्स भी अवेलेबल है। धूप से आपका काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन होने वाला है। कम्प्लीटली लेदर का टच आपको मिलता है स्टिचिंग के साथ में। ही है यहाँ पर आपको ग्लास होल्डर्स के लिए जगह मिलती है। स्पीकर्स का सिस्टम है, यहाँ पर भी सोनेट की बैजिंग है, ये एक्सेसरीज का इसका पार्ट है। और सीट्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कम्प्लीटली 3 लोग बैठ सकते हैं। 2 लोग काफ़ी आराम से बैठ सकते हैं, बीच में बच्चे को बिठा सकते हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट है आपके पास में। और सीट जो है ना 60-40 वाली आपको यहाँ पर मिलती है। 60-40 तरीके से भी सीट्स को आप फोल्ड कर सकते हो, पीछे सामान रख सकते हो, यहाँ पर भी सामान रख सकते हो।
और दो लोगों को भी बिठा सकते हो, तो ये भी काफी अच्छा फंक्शन है इसका। आइए गाड़ी के अंदर बैठते हैं। कम्प्लीटली लेदर रेट में अपॉर्सिटी है आपके पास में, संडूप भी है, इसे हम खोल देते हैं, थोड़ा सा उजाला हो जाएगा गाड़ी के अंदर, तो इसे भी क्लोज कर देते हैं। तो सेंटर में अगर आप आएंगे ना, तो सेंटर में आपके पास में क्या क्या है, इसे के वेंट्स है पीछे के पैसेंस के लिए, नीचे मोबाइल रखने के लिए थोड़ी स्पेस है, और टाइप सी के दो पोर्ट्स अवेलेबल है आपके पास में। आर्मरेस्ट है जिसमें दो कप होल्डर्स के लिए भी जगह आपको मिल जाती है। ऊपर लाइट्स के रिलेटेड सारे कंट्रोल्स है आपके पास में। 6 एयरबैग्स गाड़ी के अंदर टोटल आपको मिलती है। पीछे की तरफ से जो फ्रंट व्यू है ये कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखने मिलता है। ऊपर सनरूफ आप देख सकते हैं। बाकी पीछे की तरफ तो काफ़ी ज़्यादा सही लगती है गाड़ी। अगर आप गाड़ी का सामने का मतलब ड्राइवर सीट के ऊपर भी चलेंगे ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कीलेस एंट्री है कम्प्लीटली ड्राइवर साइड डोर के ऊपर। इंटीरियर अगर आप देखेंगे कम्प्लीटली ब्लैक और थोड़ा सा एक ब्राउन शेड आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ड्राइवर साइड डोर के ऊपर अगर आप देखेंगे ट्विटर्स आपके पास में यहाँ पर अवेलेबल, फोल्डेबल ओवर बीएम्स के रिलेटेड सारे कंट्रोल्स आपके पास में यहाँ पर अवेलेबल है। वन टच अप डाउन विंडो है ड्राइवर के लिए अवेलेबल, और चारों पावर विंडोज के कंट्रोल है, लेदर का टच है यहाँ पर, काफ़ी अच्छी स्पेस है आपके पास में। सीट्स अगर आप देखेंगे ना कम्प्लीटली लेदर रेट में अपॉर्चुनिटी आपके पास में। सीट्स की आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, सीट्स को रिक्लाइन भी यहाँ पर कर सकते हैं। इंजन स्टार्ट ऑफ का बटन है आपके पास में, स्टेबिलिटी कंट्रोल का फंक्शन है। पार्किंग सेंसर्स को ऑन ऑफ करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। बाकी हेडलाइट्स की जो लेवल होती है ना, ऊपर या नीचे आप यहाँ से करवा सकते हो। IMT ट्रांसमिशन है, तो यहाँ पर आप पैडल्स देख सकते हैं, दो ही पैडल्स है। अगर आपकी काफी अच्छी हाइट है तो कम्प्लीटली बोनेट भी थोड़ा बहुत आपको अंदर की तरफ से विजिबल होता है। क्वालिटी वगैरह जो है काफी ज्यादा टॉप नॉच लेवल की आपको मिलती है। वेरी गुड स्टीयरिंग व्हील अगर आप देखेंगे, इसे आप ऊपर या नीचे भी कर सकते हो। टेलीस्कोपिकली एडजस्ट करने वाला फंक्शन नहीं है, हॉर्न कुछ इस प्रकार से आती है। यहाँ पर जो कंट्रोल से वॉइस कमांड के कंट्रोल से फोन उठाने के काटने के वॉल्यूम को कम या ज्यादा करने के सारे कंट्रोल्स आपके पास में अवेलेबल है। इस तरफ जो है ना क्रूज कंट्रोल के रिलेटेड सारे कंट्रोल्स आपको मिलते हैं। एडास वाला जो वेरियंट है, इसके ऊपर वाला वेरियंट है HTX प्लस से आपको एडास मिलना शुरू होता है। यहाँ पर जो है ना आपके पास में MID जो आता है अंदर की तरफ, MID के सारे कंट्रोल्स है। यहाँ पर ये RPM आपको बताएगा, यहाँ पर स्पीड बताएगा, इस तरफ फ्यूल गेज आपको बताएगा। अंदर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर MID को आप यहाँ से इस बटन के जरिए सेट कर सकते हो। अंदर आप देखिए यहाँ पर है आपके पास में फ्यूल कंजम्पशन के बारे में आपको बताएगा, कितना फ्यूल बचा है, इतने फ्यूल में कार कितने किलोमीटर तक चल सकती है। यूरिया लेवल आपको यहाँ पर ये शो कर देता है, और भी कई सारे फंक्शन है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग का भी सिस्टम है, और ड्राइविंग असिस्टेंस, लाइट्स, डोर कन्वर्सेशन, जो सारी सेटिंग्स होती है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल ली जाती है। म्यूजिक सिस्टम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास में 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, इसमें टोटल आपको मिलते हैं 4 स्पीकर्स और 2 ट्विटर्स जो कि डोर्स के ऊपर आते हैं। ऑल मेन्यू में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर फोन के रिलेटेड सारी कनेक्टिविटी है। मीडिया में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड्रॉइड और एप्पल का प्ले है यहाँ पर अवेलेबल। सेटिंग्स में अगर आप आएंगे तो साउंड्स के रिलेटेड सारी सेटिंग्स है आपके पास में, पोजिशन हो गया, इक्वलाइजर वगैरह सारी सेटिंग्स आप यहाँ पर करवा सकते हो। डिस्प्ले के रिलेटेड सारी सेटिंग्स है यहाँ पर, डे नाइट वगैरह सारे कुछ फंक्शंस है आपके पास में। डिस्प्ले को बंद करना है तो वो कुछ इस प्रकार से आप करवा सकते हो। क्लाइमेट को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, क्लाइमेट के रिलेटेड सारी कनेक्टिविटी भी आपके पास में यहाँ पर अवेलेबल है। तो एक तरीके से म्यूजिक सिस्टम भी अच्छा है, टच रिस्पॉन्स भी काफ़ी सही लेवल का आपको मिलता है। रिवर्स कैमरा अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक डिसेंट लेवल की क्वालिटी आपको यहाँ पर इसमें देखने के लिए मिलती है, एक तरीके से अच्छा खासा है कह सकते हैं आप इसे। हजार लाइट्स के रिलेटेड सारे कंट्रोल्स है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC है, यहाँ पर AC के रिलेटेड सारे कंट्रोल्स आपको इसमें देखने के लिए मिलते हैं। और वेंटिलेटेड सीट्स आपको इस वेरियंट से मिलना शुरू होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 स्टेप में आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। वेंटिलेटेड सीट्स है, यहाँ पर मोबाइल रखने के लिए स्पेस है। नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर है आपके पास में टाइप सी का पोर्ट है, 12 वोल्ट का चार्जिंग स्लॉट है, USB का भी पोर्ट है, यहाँ पर भी काफी अच्छी स्पेस है। किया मोटर्स का जो स्पेस का मैनेजमेंट होता है ना, ये काफी ज्यादा टॉप नॉच लेवल का आपको मिलता है। 6 स्पीड IMT ट्रांसमिशन है, ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन आता है, और मैनुअल का जो ऑप्शन आपको मिलेगा वो पेट्रोल में मिलेगा, सिर्फ डीजल में नहीं आएगा। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो ग्लास होल्डर्स के लिए थोड़ी बहुत जगह आपको मिलती है। हैंडब्रेक है और सॉफ्ट टच वाला आर्मरेस्ट आपके पास में, जिसमें थोड़ी बहुत स्पेस आपको मिलती है। ग्लो बॉक्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ग्लो बॉक्स, काफ़ी अच्छी स्पेस भी है इसके अंदर। ऊपर डे नाइट रियर व्यू मिरर है, सभी सनग्लास होल्डर है, लाइट्स के रिलेटेड सारे कंट्रोल्स है आपके पास में। सनरूफ अगर आप खोलना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर खोल सकते हैं, कुछ इतनी खुलती है ये, तो इसे हम अभी बंद कर देते हैं। बाकी टोटल गाड़ी में 6 एयरबैग्स है। गाड़ी के जो लेदर अपॉर्चुनिटी है ना, ये काफ़ी शानदार लेवल की आपको मिलती है। बाकी ये तो कुछ हो गया इसका इंटीरियर के बारे में, आइए अभी ना आपको इसका फ्रंट बोनेट में आपको खोल के दिखा देता हूँ। इंजन ऑप्शंस की बात करें तो टोटल 3 इंजन के ऑप्शन आपको किया सोनेट ऑफर करती है। अभी जो गाड़ी के अंदर इंजन ऑप्शन आपको मिलता है ना, वो आप देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं डीजल इंजन अभी आपको ये देखने के लिए मिलता है। इसे हम अभी क्लोज कर देते हैं,
बोनेट एक तरीके से वेट भी काफी अच्छा है। अभी फिलहाल आपने 1500cc डीजल इंजन देखा जो कि 115 पीएस की पावर बनाता है, 20 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी आपको डीजल इंजन के अंदर देखने को मिलता है। बाकी टर्बो जीडीआई पेट्रोल का भी ऑप्शन है और 1.2 नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल का भी इंजन ऑप्शन आपको मिल ही जाता है। सोनेट का ये IMT वेरियंट आपको कैसा लगा आप हमें नीचे कॉमेंट्स में बता सकते हैं। डीजल IMT STX वेरियंट अगर आप ले दो ना, ऑन रोड आपको ये वेरियंट पड़ता है 15,30,000 रुपए तक का। बाकी फिलहाल हम अभी पिपाड़ा किया अहमदनगर में शूट कर रहे हैं। शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, कॉल कीजिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और टेस्ट ड्राइव के लिए आप जरूर आ सकते हैं पिपाड़ा किया अहमदनगर में। बाकी सोनेट STX वेरियंट आपको कैसा लगा आप बताइए हमें नीचे कॉमेंट्स में। सोनेट का जो STK प्लस वेरियंट आता है ना, उससे पहले हमने आपके लिए STK प्लस का रिव्यू लाया था, वो आप चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।